हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्नैक्स बनाने जा रही हूँ जो कि वर्किंग मदर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और अनएक्सपेक्टेड घर में आए हुए गेस्ट के लिए बहुत ही इजी और टेस्टी है। इस रेसिपी का नाम है दही सैंडविच। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। दो सैंडविच बनाने के लिए हम लेंगे 50 ग्राम दही, 4 स्लाइसेस ब्रेड, एक छोटी बारीक कटी प्याज, एक छोटी बारीक कटी गाजर, एक छोटी बारीक कटी हरी मिर्च, 6 से 7 कटा फ्रेश कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून राई, 1/2 टेबलस्पून ऑयल। सबसे पहले हम सैंडविच की फिलिंग बनाने के लिए एक बोल में दही डालेंगे। उसमें डालेंगे प्याज, गाजर, हरी मिर्च, नमक और लाल मिर्च। फिर हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिल जाएं। ये देखिए, इस तरह से हमारी सैंडविच फिलिंग ब्रेड पर लगाने के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम इस मिक्सचर को ब्रेड स्लाइस पर इवनली स्प्रेड करेंगे। सैंडविच की एक ही ब्रेड स्लाइस पर मोटी लेयर लगाएं और उसके ऊपर दूसरी ब्रेड रख दें। आप देख सकते हैं ये दो सैंडविचेस बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। अब हम इन्हें तवे पर सेकेंगे। अब हम गरम तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें राई चटकाकर कड़ी पत्ता को भी थोड़ा सा भूनेंगे। कड़ी पत्ता से सैंडविचेस में अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इस राई और कड़ी पत्ता के मिक्सचर को तवे पर स्प्रेड करके सैंडविच को सेकेंगे। सैंडविच को गोल्डन होने तक और सिम गैस पर ही सेकेंगे ताकि हमारा सैंडविच क्रिस्प बने। ये देखिए, ये सैंडविच सेक चुका है। इसी तरह मैं दूसरा सैंडविच भी सेकूंगी। अब मेरा दूसरा सैंडविच भी सेक कर तैयार हो चुका है। इन सैंडविचेस को बीच में से काट कर टमाटो सॉस या चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको ये मेरा दही सैंडविच रेसिपी का वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें या थम्स अप बटन प्रेस करके लाइक करें। थैंक यू।